लोकायत ते पीपल्स आर्ट फोरम संस्थावां और प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों और साहित्यकार जो साहित्यकार गुरदेव खुल्लर जी, मोहन भंडारी जी, बलदेव सिंह जी, दर्शन बुट्टर मित्तल जी, प्रगट सौज ते होर भी जेड़े ने जेड़े बहुत सम्मानित और बहुत अपनी कलना वाले लोग इतने एकत्र ने, तो बहुत सोहने गीत नाल तुसी प्रोग्राम आरंभ किया। बहुत दिल टुंबा गीत सी गुजरात के मंदिर वाला, और उस तो बाद अमन ने भी बहुत बारीकी नाल ते बहुत विस्थार नाल समुची जो देश की हालत सी और उसने बयान किया। बहुत अच्छा लगा कि साढ़े नौजवान इन्ने सचेत ने गलों बारे उन्होंने गहराई में उन्हों का अध्ययन है, तो तुसी इन्नी वड्डी गिणती इत्थे एकत्र हो ये भी गल बहुत दिल नूं हौसला देने वाली है, क्योंकि कई बार असी उदास हो जाने कि नवी पीढ़ी पता नहीं किधर नूं जा रही है, लेकिन तुहानूं देख के मेरे दिल की उदासी कफूर हो गई कि तुसी इत्थे इन्नी शिद्दत नाल इस थां ते तुहाडी प्रेजेंस है, तुहाडी मौजूदगी है। तो सवाल बहुत गहरे अमन ने जिहड़े सवाल पूछे सी, शायद उन्होंने सवालों का जवाब तो बहुते जो पॉलिटिक्स के बंदे होणगे जां बहुत पोलिटिकली कॉन्शियस अवेयर एनलाइटन वो बंदे गल्लां कर सकते ने। असी मैं अपने आप नूं मैं इदां समझदा कि मैं एक कवि हाँ सब कुछ रला मिला के, तो मैं अक्सर कहना हूँ कि मैं बहुता अपने खिलाफ लड़ाई का लेखक हाँ। मेरी पहली ही किताब सी हवा विच लिखी हर, उहदी पहली ही गज़ल का पहला ही शेर है कि उजले शीशे सन्मुख मैनू चिर तक ना खलियार, उजले शीशे सन्मुख मैनू चिर तक ना खलियार, मैले मन वाले मुजरम नू इस मौते ना मार। कि जो साड़ी जंग है वो अपने आप तो शुरू हो जाती है, जा दूर जेकर अजे सवेरा है इससे काफ़ी कसूर मेरा है। कि जे असी जंग अपने आप तो नहीं शुरू करांगे, असी अपने आप को बदलन तो बिना जहान को बदलन निकल पवांगे, तो शायद इस दुनिया का कुछ बिगाड़ ही सकांगे, सुधार नहीं सकांगे। सो मैं समझना कि ये तब्दीली अपने आप तो ही शुरू होनी चाहिए है, और कविता या कहानी कल्ले सचेत मन ना नहीं लिखी जाती कि साडा सचेत मन अपने विचार प्रकट कर रहा, कविता या कहानी साडा सबकॉन्शियस माइंड शामिल होंदा, साडा अचीव मन के साडी शख्सियत के वो पहलू भी उस शामिल होंदे आ जिहड़े सानू भी नहीं पता होंदे, इसलिए असीं कविता नूं मुकद्दस कहने आ, कहानी नूं मुकद्दस कहने आ, कि ये लेखक तो भी बियॉन्ड लेखक की सचेत मन तो भी बियॉन्ड जा सकती। तो मैं कभी कहा कि कविता जदों खिलाफ कहे तो उसके लफ्ज़ नहीं बदली दे, अपने आप को बदली दा है, ना भी बदल सको तो भी बदल होने लिए तड़पी दा है, बदलने विच ही मानवता है, बदलने विच ही काविकता है, बदलन विच ही इनकलाब है। तो इतों जदों असी शुरू करते हैं तो फिर शायद असी सारे देश नूं सारे वर्तारिया नूं थोड़ी होर तरह देखते हैं। खलील जबरान का एक फिकरा हमेशा मैं बहुत मोहित करता हूँ, वह कहता कि साढ़े महानतम गायक साढ़े ग्रेटेस्ट सिंगर्स वो ने जिहड़े साडियां खामोशियां नूं गाउंदे ने, कि साडे बहुते गायक रौले नूं रौला गाई जा रहा
कि वो ग्रेटेस्ट सिंगर वो है जिहड़ा साडियां खामोशियां नूं गा सकता। खामोशियां नूं गाउण दा मतलब यह है कि साडे अंदर कई खामोशियां हुंदियां, कई बेजुबानियां हुंदियां जिहड़ियां असीं क्यों खामोशियां रह जांदियां, वो शायद किसी खौफ करके रह जांदियां जां साडी आर्टिकुलेशन की कमी करके रह जांदियां, साडी बेजुबानी करके रह जांदियां जां साडी समझ की अस्पष्टता करके रह जांदियां। और खामोशियां गाउण विच जिहड़ी खामोशियां कहने वो कहिंदे कि खामोशियां कहना नहीं, खामोशियां गाउणा जिहदे विच वो संचार की गल करदा, कम्यूनीकेशन कि जो तुसीं गल करदे हो तो तुहाडी गल करन विच भी एक कला का स्ट्रगल चाहिदा। कि जे कोई मार्क्सवादी कवि है तो सिर्फ वह मार्क्सवादी कवि होना काफ़ी नहीं, वह विचार का सोहना होना काफ़ी नहीं, वो कविता के रूप का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उत्थे भी असं एक स्ट्रगल लड़ रहे हैं। सो इसलिए वो खामोशियां गाउण की गल करता। तो खामोशियां और जदों जमाने जिस तरह अमन ने भी कहा कि ये फांसीवाद कोई अज शुरू नहीं होया, फांसीवाद की एक लंबी कहानी है साडे देश विच भी साडी दुनिया विच भी। तो फांसीवाद की गल यही होंगी कि वह साडियां साइलेंसिस साडे अंदर बहुत साइलेंसिस पैदा करी जाता कि असं बहुत कुछ अपने दिल से रोकी जा रहे। पाकिस्तान के एक शायर की बहुत सोहनी लाइन है, वह कहता कि जे बोलना तो मार देंगे, ना बोलना तो मर जावांगे। कि जे मैं बोलिया तो मैं उन्होंने मार देना, जे मैं ना बोलिया तो मैं मर जावांगा, मैं मरिया बराबर ही हाँ। सो उस जानी ये अपने जिंदे होने की निशानी है कि असी अपनी अंदरली चुप न अपनी अंदरली खामोशी आवाज़ दे सकी, अपनी खामोशी आवाज़ देने सिर्फ भाषा की लोड़ नहीं, भाषा की भी लोड़ है लेकिन भाषा के नाल बहुत सारे ज्ञान की बहुत सारे फैक्ट्स की उसकी भी सानू जरूरत है। तो जो मैं ये गल करना कि हुण सानू की करना चाहिए, तो मैं ये सोचता कि सानू वध ज्ञानवान होना चाहिए। कि कई बार साडे सिर्फ साडे नारे ने जां साडे नारियां की एक हिंसा होंदी है, पर एक जानी एक किसी शख्स का कसन है कहिंदा कि नेर नू लोहा नहीं लो चीरदी है, कि अंधकार नू लोहा नहीं चीरदा, नेर नू लोहा नहीं लो चीरदी है, ज्ञान भी है खड़ग सतगुर का कथन है। गुरबाणी जी को वाक आता कि ज्ञान भी एक खड़ग है, कि ज्ञान भी एक शमशीर है, कि ज्ञान नू एवें ना समझो कि ज्ञान भी एक हथियार है, ज्ञान भी एक खड़ गया। सो मेरी अपने बच्चों अपने विद्यार्थियों ये अपील है कि जिहड़ा तुहाडा समा है कि उस असी कई बार असी खोजी ना रहे कि असी वादी हो जाने, असी फिर उदों किसी एक चीज़ से टिक जाने, उसनों खोज नहीं करते कि साडा रवैया चीज़ों जानन का चीज़ों दियाँ जड़ां से उतरन का एटीट्यूड जिहड़ा वो होना जरूरी है। कि असी जिहड़ा साडा ज्ञानवान होने का मतलब है कि साडा होर शक्तिशाली होना, और बिना ज्ञान तो जदों असी नारे भी जां असी हथियार भी चुकते हैं तो शायद उदों लगता कि असी एक उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिहड़ी बेसिक जां बुनियादी गल होती। रात में सुरजीत ने बहुत सोहनी गल सुनाई कि यदि कविता सी कि ये बेटे का नाम अमीन है, तो अमीन नाम से सोचता कि मेरे बच्चे को खतरा हो सकता कि इनू कोई मुसलमान कह के कभी नुकसान पहुँचा सकता, तो यह सोचता कि फिर मैं अच्छा नाम कि हो सकता कि सुरक्षित नाम कि हो सकता, ना यदा नाम यदा मैं कोई हिंदू नाम रख लवा, वो कहता इस नाम भी खतरा हो सकता कि यदा मैं सिख नाम रख सका रख लवा, कहता नहीं इस नाम भी खतरा हो सकता कि आखिर मैं अपने बच्चे का की नाम रखा। तो किसी शख्स ने यदि पोएम से फिर फेसबुक से उन्हें कमेंट पाया कि तुम अमीन नहीं कि अपना नाम औरंगजेब भी रख दो, उन्हें इस गल से गुस्सा आया कि इन्हें मुसलमान नाम क्यों रखा। तो सुरजीत ने बहुत अच्छा जवाब का लिखा, कहता कि शायद तुम औरंगजेब का याद है
पर तुम मियां मीर भुल गया, तुहानू नबी खान गनी खान भुल गए, तुहानू भाई मरदाना भुल गया, और तुहानू मुमताज भुल गई जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी ने बचाया सी, कि जिहड़े पिता ने कहा कि मेरे घर जवाई जवाई आया हुआ, तो वह मुड़ के उस बंदे ने कोई जवाब नहीं दे सकिया। सो मैं कहा कि इतने इतने सुरजीत का ज्ञान खड़क सी, कि जी चेतना से कि हिस्टरी की कई बार हिस्टरी को बड़ी बड़ी उपीजता पढ़ते हैं, सिख सिर्फ जी मुस्लिम साढ़े लिए औरंगजेब का ही एक रूप बन के रह जाता, असं फरीद को भी भुल जाने, असं भीखण को भुल जाने, अभी वो सारे कुछ भुला देने। सो इस तरह का रवैया जानी इस दौर देख रहे हैं, जो असं उन्होंने जड़िया जातों धर्मों असी एक नाम तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, असी इतिहास में भी पढ़ रहे हैं पर इतिहास में भी असी अधूरा पढ़ रहे हैं। तो दूसरी गल है कि जो असी साहित्य अकैडमी इनाम वापस करने की गल, साढ़े पहल करने वाले भुल्लर साहब ही सके इस पंजाबी इस चीज़ की पहल करने वाले, तो यह सी कि बहुत तरह तरह के जो इनाम वापस करने की गल से इनाम वापस हुए तो मैं जो इनाम वापस मेरे मन च एक गल सी जो मैं वापस किया, तो मैं कि साहित्य अकैडमी की खुद मुख्तारी आ कि मैं इतिहास में जानता कि जदों तो विषय के सरकार के पैसे ना चलती है लेकिन कुछ संस्थावान बचिया होंगे। मैं खुद मुख्तारी की गल दसदा कि साहित्य अकैडमी वो संस्था थी जिसने पाश की कवितावान का भी अनुवाद अपने को प्रकाशित किया कि 75 पोएम पाश या पाश जरा कि नक्सलाइट इनकलाबी कवि सी, और पाश की हिंदी विच अनुवाद की पोएट्री चमन लाल पाश दी कवितावान के अनुवाद करने पुरस्कार साहित्य अकैडमी वालों मिलिया, और 84 में अजीब कौर ने ब्लू स्टार फेडरेशन के खिलाफ बहुत लिखा लेकिन 85 में अवार्ड अजीब कौर को मिलिया कि साहित्य अकैडमी ने एक अपनी एक इस तरह की खुद मुख्तारी संभाली हुई सी, और हरिंदर महबूब जेडे कि जिन्होंने आजादी उन्होंने खालिस्तान प्रति उन्होंने उन्होंने रुझान से लेकिन उन्होंने भी 91 से साहित्य अकैडमी ने अवार्ड दिता। सो मैं समझा कि साहित्य अकैडमी ने एक खुद मुख्तारी हुण तक कायम रखी सी, लेकिन जदों कलबुर्गी की हत्या हुई कन्नड़ राइट कलबुर्गी की हत्या हुई और हत्यारे सवेर नूं घर जाते हैं वो सवाणी उन्होंने चाह पानी पुछदी है लेकिन वह बेरहमी नाल कलबुर्गी 76 साल के कलबुर्गी दी हत्या करके तो वह बाहर आ जाते हैं, और इस हत्या ने या इस पहला हुई हत्यावान ने भी एक दिल नूं एक अजीब किस्म की मन में दर्द दुख पैदा किया। पर साहित्य अकैडमी की जदों प्रोजेक्ट बोर्ड की मीटिंग हुई जो हर मीटिंग शुरू होंगी है तो उस ही होंगे कि जेडे पिछले दिनों से लेखक गुजरे होंगे इस दुनिया तो गए होंगे तो उन्होंने लेखकों का जिक्र करके तो फिर वो कहते कि हम असं 2 मिनट का मौन करा कि साढ़े को लेखक विछड़ गए, लेकिन कलबुर्गी का ये जो इस तो बाद मीटिंग हुई तो कलबुर्गी का नाम भी एक रूटीन नाम वन वो आया तो शोक सभा हो गई, पर कुछ एग्जैक्टिव मैंबर के मन से भी होर लोगों के मन से भी ख्याल से कलबुर्गी की हत्या एक आम मौत नहीं सी, और उसी आम मौत बन के जान दिया जी तो फिर यह मतलब कि साहित्य अकैडमी साढ़े देश की अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं रही, साहित्य अकैडमी किसी शक्ति की सरकार की दे भय नाल उहदे खौफ नाल खामोश हो गई है। तो ये साहित्य अकैडमी की एक खामोशी उहदी खुद मुख्तारी पर एक बहुत वड्डा दाग सी, एक शंका सी, जिस शंके तो जानी ये अवार्ड जानी मेरे मन जी गल आई मैं इस शंके से कि मैं साहित्य अकैडमी मैं चाहना कि साहित्य अकैडमी साढ़े देश की अंतर आत्मा की निर्भय आवाज़ बनी रहे
बेशक ये तो शायद तक बहुत थामा है कि सरकार का पैसा लोगों का पैसा होता कि असीं उनके सरकारी पैसा होवे लेकिन ये लोगों का पैसा और लोगों की जी एक राइटर की संस्था जिसे राइटर ही राइटर चुनते हैं और इनाम मिले और साहित्य अकैडमी की किसी मीटिंग से कोई मिनिस्टर नहीं कर चाहता ज्यादा मैं साहित्य अकैडमी जानता तो किसी अवार्ड सैरामनी से मिनिस्टर नहीं आता पर होया कि जो इनाम वापस किए गए तो उदों जिसको बोलना चाहिए सी कि साहित्य अकैडमी के प्रधान विश्वनाथ प्रसाद बोलते वो सब कहते कि की गल हुई कि तुम इनाम क्यों बोले तुम आओ असि गल करते हैं पर वो तो चुप रहे लेकिन जोड़े लोग बोले वो मिनिस्टर से जिन्होंने साडा कभी कभी एक अक्षर भी साडा नहीं पढ़िया होगा वो इन्नी इन्नी बेकदरी बेरहमी नाल बोले कि सानू लगा कि साढ़े असी एक बार फिर इनाम मोड़ दी कि उन्होंने बोलन ने बल्कि वध साबित किया कि किन्नी असहनशीलता बढ़ गई है कि वो सानू बड़े गुस्से नाल पुछदे कि कहाँ है असहनशीलता जी उन्होंने वो जिम्मे सू छेंटे छांटा चुक के साथ मार के शब्दों के छेंटे साढ़े मार के सू पुछ रहे कि असहनशीलता कितने है अभी कहने ऐसी ही है असहनशीलता कि उन्होंने इस तरह बोलने इस तरह बेकदरी बोलन से बल्कि लेखकों के इनाम वापस करने होर भी सही साबित किया कि अच्छा ही किया कि असी इनाम वापस कर दते कि यह भी दिन असं देखने से कि उन्होंने मिनिस्टर ने जिन्हें साडा कभी शब्द नहीं पढ़िया जिन्हों को कभी किसी साहित्य अकैडमी की मीटिंग से बुलाया नहीं गया जेडे किसी अवार्ड सैरेमनी से नहीं बुलाए जाते जेडे कभी इनाम देने की जूरी में शामिल नहीं कि वो लोग भी इस तरह साढ़े बारे साढ़े खिलाफ़ बोल रहे कि अगर आपका दम घुटता है तो मत लिखिए अगर आपको लिखना है तो एक मैनू जरा निजी तौर पर बहुत एक्सपीरियंस बहुत वक्त आए है कि एमरजेंसी वेले भी खामोश रहने का हुक्म सी पर उदों लेखकों ने अपने एक लोग देखे उदों कितने से टीवी पर पूछ रहा जरा सांबत पात्र आ जाए वो लोग भी आप कहाँ थे एमरजेंसी मैं क्या कि एमरजेंसी वेले साढ़े दो लेखक तो कैद हो गया से वरियाम संधु कैद रहा ओलस कैद रहा और एमरजेंसी वेले मेरी से सब तो कोई मशहूर गजला तो कुछ कहा तो हनेरा जरेगा कि वो एमरजेंसी वेले मैं लिखी मैं एमरजेंसी वेले असी बिल्कुल इतने से पंजाब समस्या वेले कितने से असियाँ उदों भी असं इतने से कभी वारस शाह वंडिया से हूँ शिव कुमार की वारी है वो जख्म तो सू भुल भी गए नवे आदि को फिर तैयारी है फिर कहते तुम उदों कितने से जो दिल्ली से दंगे हुए मैं क्या उदों भी इतने से कि उदो मैं क्या कि डूंगे वैणा का की मिलना तख्त के पावे मिलिए जब तक वो लाशा गिणते ने आप वोटा मिलिए और क्यों क्योंकि वैणा का की मिलना तख्त के पावे मिलिए जब तक वो लाशा गिणते ने आप वोटा मिलिए और चोन निशान सिवा है साडा इसन बुझण ना देिए चुल्हिया कट कट लगना इसकी अग में देिए कि लेखक हमेशा इतने से उस और अवार्ड मोड़न का साहित्य अकादमी अवार्ड मोड़न का मेरे मन से जो लॉजिक यही सी कि इस वे साहित्य अकैडमी अवार्ड मोड़ना ही पड़ता क्योंकि वो साहित्य अकैडमी जिन्हों असी माण नाल बहुत खुद मुख्तियार संस्था एक ऑटोनोमस संस्था कहते आए हैं जो वो भी चुप कर लगे तो फिर यही बनता कि असी वो एक रुसण का एक वे बेदावे का साडा रिश्ता हो और वो अपने चलो बाद बहुत देर बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग भी हुई उन्होंने कल गुरजीत की हत्या से अफसोस जाहिर किया और केंद्र सरकार को भी राज सरकार को भी उस गल की उन्होंने तारीफ की कि ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन मैं जिथे गल मैं खत्म करना चाहना जिस तरह अमन ने भी इस बारे गल किया कि मैं कहीं कहा कि असी चेतना दिया जंगालिया घड़िया हाँ असी वक्त के किसी हिंसे से बस एवें ही खड़िया हाँ जब कोई हादसा झंझोड़ता है असी कट्ठिया टपक के
अबड़ वाहे रवा हो जानिया हाँ, फिर कुछ देर टिक टिक करके इकट्ठिया जा एक एक करके फिर एवं किसी हंसे से खड़ो जाने कि जो कोई कुछ वापरदा उदो असी थोड़े एक्टिव हो जाने असी कुछ करन लई, लेकिन जरूरत है कि यह साड़ी चेतना दी घड़ियां चलदिया रहन ये रुकण ना। और असी एक जिस तरह ये समागम है और बहुत जरूरी है कि पंजाब से असी एक थिएटर की मुहिम, थिएटर नूं मैं समझदा कि थिएटर एक ऐसा आर्ट है जिहड़ा अपने आप से कविता नूं भी समो लैंदा, जिहड़ा संगीत नूं भी समो लैंदा, जिहड़ा एक सैकंड वॉइस नूं भी समो लैंदा, जिहड़ा एक डायलॉग भी है कि बेशक उस दी प्ले हो। और दूसरी गल है कि साडा जिहड़ा ज्ञान आ साडी ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है कि साड़ी कोई चीज़ स्लोगन सिर्फ स्लोगन के पद्धर से ना हो, सानू चीज़ों का गहरा ज्ञान हो। जिदा मैं अमन के मैं बोलों सुन के मैं महसूस कर रहा कि यह बहुत जरूरी है कि सानू चीज़ों का एक घटनावान का हिस्ट्री का साढ़े मन च गहरा ज्ञान जरूरी है कि साड़ी कोई भी चीज़ सरफेशियल या पेतरी ना हो, कि साढ़े बाकी साढ़े हथियार की धार इन्नी तेज हो ज्ञान के पक्षों भी कला के पक्षों भी। और असी सोई ना जे असी इस देश को बदलना, जिस मैं पंजाब बारे कविता लिखी सी कि चलो इतों चलीए कि पंछी तो उड़ गए ने रुख भी सलाहां कर चलो इतों चलीए, कि पुत्र अपने बापियों को कह रहे हैं भी इत बापू चार सियार वेद मैं चला जावा। और जिहड़ा नशा मैं कहता नशे वाले भी शायद यही कोशिश करते कि चलो इतों चलीए इस थान से की करके रहना, और खुदकुशियां वाले भी शायद यही कह रहे कि इस धरती से रह के की लैना, और शायद अपने कुखा च धियां कतल करने वाले भी यही कह रहे कि इस धरती से आके तुम की लैना, इतने तो अगे चलो चली का रौला पिया पाया कि चलो इतों चलीए। तो मैं एम किया कि है कोई कवि इतने कि साड़ी इस धरती का एक तरह गैर सरकारी कौमी गीत हो गया कि चलो इतों चलीए, कि कोई है कोई कवि इतने है कोई सजिंदा कोई गवंतरी जिहड़ा बदल देवे इस गान नूं, जिहड़ा इस गीत नूं बदल देवे कि चलो इतों चलीए, जिहड़ा इतने एक रजिस्टेंस का जां असीं इत्थे ही रहांगे असीं इस धरती नूं ही अपने वसन योग बनावांगे, असीं इस चलो इतों चलीए दी आवाज़ नूं बदल देंगे कि सानूं उन्हां साजियां दी उन्हां गीतकारां दी उन्हां कवियां दी उन्हां थिएटर कर्मियां दी उन्हां सोचवानां दी बहुत जरूरत है जिहड़ी साडी इस धरती नूं वसण योग बनाउण रहण योग बनाउण। इत्थे कोई चलो इतों चलीए कि पंछी तां उड़ गए ने रुख भी सलाहां करन चलो इतों चलीए, जिस धरती ते रुख भी सलाहां करन लग पैणगे असीं इतों चलीए तां उस तुसीं उस धरती दी दशा नूं महसूस कर सकते हो, उत्थे दे लोकां दा दुख महसूस कर सकते हो। तो इन्हां कुछ शब्दां नाल मैं अपने इन्ना ही कुछ मैं कहना चाहना, तो मैनूं जाना पैना इसलिए मैं माफ़ी मंगदा। वैसे मैनूं बहुत शौक हुंदा हमेशा वचन भुल्लर नूं खास तौर पर सुनदा उहदे बोलां 'च, उहनां दे पिछले दिन आर्टिकल बहुत सोहणा छपिया सी पंजाबी ट्रिब्यून 'च, मैं उहनां दा जिक्र भी कीता। तो मेरे मन 'च सो घाटा तां मेरा ही बहुत ज़्यादा कि मैनूं जो जान नाल पऊगा जे मैं तुहानूं नहीं सुन सकूंगा, भंडारी जी गुरदेव प्रगट जां दर्शन जां श्री होर सारे जो तुहाडे सवाल जवाब होणगे, पर मैं तुहाडे कोलों बहुत बहुत क्षमा इस गल की मंगदा कि मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि मैनूं जाना पऊगा। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुहानूं बहुत आशीर्वाद। और मैं चाहना कि मैं कहता कि हुण थिएटर ही साडा तीरथ है, कि इहो जिहियां थावां ही साडा कि एक टीवी ने जो मान लिया उत्थे साडे दुख सुख की गल नहीं हुंदी, जो सिनेमे ने मान लिया उत्थे भी साडे दुख सुख की उस तरह गल नहीं हुंदी। मेरे ख्याल से यही थावां ने जिथे असीं अपने दुख सुख की गहरी गल कर सकते हैं, तुसीं इन्हां थावां नूं बस्तियां रखो। बहुत बहुत